أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم پیج نمبر 180 پہ موجود یونٹ 6 کے باقی کے نیومیریکلز کریں گے 3 سے لے کر 5 تک. کوشچن نمبر 3 ہے، سپوز یو وانٹیڈ ٹو ڈیزالو 40 گرامز آف این او ایچ ان انف ایچ ٹو او ٹو میک 6 ڈیسیمیٹر کیوب آف سولوشن. فرسٹ آپ نے دیکھنا ہے وٹ از دا مولر ماس آف این او ایچ، آپ نے مولر ماس این او ایچ کی کیلکولیٹ کرنی ہے. بی پارٹ ہے اس کا وٹ از دا مولیرٹی آف دس سولوشن. تو مولر ماس ہم پہلے کیلکولیٹ کر لیتے ہیں این او ایچ کی، ہم دیکھ لیتے ہیں جی. क्वेश्चन नंबर 3 है, आपको ए पार्ट है इसका हमने कैलकुलेट करनी है मोलर मास ऑफ एन ए ओ एच. तो एटॉमिक मास हम इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, सोडियम है, एन ए, ऑक्सीजन है ओ और एच है हाइड्रोजन. तीन एलिमेंट्स हैं इसमें, हमने तीनों की पहले एटॉमिक मास देखेंगे क्या है. एटॉमिक मास ऑफ सोडियम क्या है जी, 23. अच्छा जी, अब एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16. अच्छा जी, और एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1. अब मोलर मास कितनी आ जाएगी एन ओ एच की, इन सबको ऐड कर लें, 23 प्लस 16 प्लस 1, 6 एंड 1 7, 7 एंड 3 10, 2 and 1 3 and 1 4. तो ये कितना आ गया हमारे पास, 40 ग्राम्स पर मोल. बी पार्ट इसका क्या है, बी पार्ट है जी इसका हमने व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन, हमने मोलैरिटी फाइंड करनी है. हमें मोलर मास के अलावा क्या दिया हुआ है जी, ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट दिए हुए हैं जी, एन ए ओ एच के मास दी हुई है, गिवन मास. ये बी पार्ट अब हम सॉल्व करेंगे इसका. अब बी पार्ट सॉल्व करने के लिए गिवन मास इसकी लिखें, गिवन मास इसकी कितनी है, फोर्टी पॉइंट जीरो. इसके बाद सॉल्यूशन की हमें वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें कितना दिया हुआ है, 6 डेसीमीटर क्यूब. मोलैरिटी का फार्मूला लगाएं, मोलैरिटी हमने फाइंड आउट करनी है. मोलैरिटी किसके इक्वल होती है, सॉरी, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. वैल्यूज इनकी पुट कर दें, मास ऑफ सॉल्यूट हमारे पास कितना है, ये है सॉल्यूट का मास है 40 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास हमने कैलकुलेट किया था इसके ए पार्ट में, तो कितना आया था 40 ग्राम पर मोल. मल्टीप्लाई बाय
6 डेसीमीटर जो इसका वॉल्यूम हमें गिवन है, तो ये 40 40 से कैंसिल हो गया, ये 40 ग्राम्स था तो ग्राम्स ग्राम्स के साथ कैंसिल हो गया। हमारे पास बाकी जो बचा है वो क्या है जी, यहाँ ऊपर 1 बच गया और यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमारे पास 6 है, ये मोल पर मोल है तो मोल ऊपर चला जाएगा और हमारे पास नीचे डेसीमीटर क्यूब बच गया। 1 को 6 से आप डिवाइड कर लें तो हमारे पास जब 1 को 6 से डिवाइड करेंगे हमारे पास आएगा 0.166 मोल डेसीमीटर क्यूब। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ 14 ग्राम ऑफ अमोनियम ब्रोमाइड इन एनफ H2O टू मेक 150 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। अब देखें सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम दिया हुआ है उसकी यूनिट अब डिफरेंट है, डेसीमीटर क्यूब में नहीं दी हुई बल्कि यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब में दी हुई है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यूनिट्स इक्वल करनी है, तो सेंटीमीटर क्यूब को आपने चेंज करना है पहले इसको डेसीमीटर क्यूब में। तो अब हम गिवन डेटा जो है वो इसका लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 साफ करते हैं जी। कैसे क्वेश्चन नंबर 4 आ गया, हमें मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है। मास ऑफ सॉल्यूशन हम सॉल्यूट हमें दिया हुआ है वो हम लिख लेते हैं गिवन डेटा। फोर्टीन ग्राम्स जी। अब हमें सल्यूट हमारे पास किस किस क्या है, अमोनियम ब्रोमाइड, तो हम उसका मोलर मास भी फाइंड आउट कर लेते हैं कितना है मोलर मास ऑफ अमोनियम ब्रोमाइड। इसके लिए हमें पहले नाइट्रोजन का होता है 14 वो लिखेंगे, हाइड्रोजन का 1 होता है तो 1 मल्टीप्लाई बाय 4 4 आ गया, और ब्रोमीन का होता है 80, इन सबको ऐड कर लें तो हमारे पास आ जाएगा 4 4 8 और 9 98 ग्राम्स पर मोल। जब आप पर मोल लिखते हैं हम इसको ऊपर ले जाते हैं, या तो हम पर मोल लिख लेते हैं या फिर इसके साथ माइनस का साइन लगा देते हैं, तो ये हमारे पास इसका यूनिट होता है 98 ग्राम्स पर मोल। अब हम उसके सेंटीमीटर क्यूब को चेंज करेंगे, जो हमें गिवन इसका वॉल्यूम है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है वो सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है, कितना है 150 सेंटीमीटर क्यूब। जब हम इसको चेंज करेंगे डेसीमीटर के लिए तो इसको हमें 1000 से मल्टीप्लाई कर सॉरी डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि 3 है तो एक में 10 का डिफरेंस आता है, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 3 सेंटीमीटर को डेसीमीटर में करना है, तो इसलिए हम ये 3 10 को मिलाएंगे तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 में आ जाएगा। तो अब हमारे पास ये आ जाएगा 0 0 से कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास आ गया 0.015 डेसीमीटर क्यूब। अच्छा अब मोलैरिटी का फार्मूला लगा के हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, हमारी यूनिट्स हमारी इक्वल होगी तो मोलैरिटी क्या आएगी, वही वाला फार्मूला लगाएं जी, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, डीएम क्यूब। गिवन मास कितनी है 14 ग्राम्स, मोलर मास हमने खुद कैलकुलेट की हमारे पास कितनी आई 98 ग्राम्स पर मोल,
वॉल्यूम हमारे पास कितना आ गया, 0.015 डीएम क्यूब। तो ये हमारे पास आ जाएगा 14 ग्राम्स। पहले इनको हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 14.7, ये आ जाता है ग्राम्स मोल माइनस 1 डेसीमीटर क्यूब। ये ग्राम ग्राम के साथ कैंसिल हो गया। अब इसको इसके साथ हम डिवाइड कर लेंगे तो ये हमारे पास 14 को जब हम इसके साथ करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.953। ये मोल ऊपर चला जाएगा, प्लस हो जाएगा प्लस 1, और ये डेसीमीटर क्यूब ऊपर चला जाएगा तो ये -3। तो ये हमारे पास इसकी मोलैरिटी आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 है, सपोज यू वांट टू प्रोड्यूस 1.00 डीएम क्यूब ऑफ 3.50 मोलर सॉल्यूशन ऑफ H2SO4। ए है व्हाट इज द सोल्यूट, तो सोल्यूट क्या है, जरा H2SO4 का सोल्यूशन बना रहे हैं तो H2SO4 सोल्यूट होगा। बी है व्हाट इज द सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट होगा वाटर, हमने वाटर में इसको डालना है और इसका सोल्यूशन बनाना है। सी है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ सोल्यूट आर नीडेड टू मेक दिस सोल्यूशन, तो सी को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के लिए अभी हम इसका फिफ्थ का सी पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या गिवन हमारे पास क्या है जी, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन गिवन है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है 1 डेसीमीटर क्यूब। उसके बाद हमें क्या गिवन है जी, मोलैरिटी इसकी, मोलैरिटी कितनी है 3.50 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब हमें H2SO4 का मोलर मास भी देखना पड़ेगा क्योंकि मोलैरिटी के लिए हमें मोलर मास चाहिए होता है। तो पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं मोलर मास ऑफ H2SO4। अब इसमें भी 3 एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन सल्फर और ऑक्सीजन। तो अब हम इन सबको जो है वो प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे तो हमारे पास H2SO4 का मोलर मास आ जाएगा। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, तो चूंकि इसके 2 एटम हैं तो हम क्या लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 2। फिर ऐड करेंगे हम सल्फर का, सल्फर का एटॉमिक मास होता है 32। उसमें ऐड करेंगे हम ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का मोलर मास होता है 16, लेकिन यहाँ पे 4 एटम है तो हम 16 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 1 2 2 प्लस 32 प्लस 16 4 64, इन सबको ऐड कर दें तो हमारे पास ये आ जाएगा 4 2 6 और 2 8 और 6 और 3 9 98 ग्राम पर मोल। अब मोलैरिटी का फार्मूला क्या है, वही फार्मूला लगाएं, मोलैरिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब। अब यहाँ पे हमने फाइंड क्या करना था, एक दफा इसको देखें, हमें हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ सोल्यूट यानी हमें मास ऑफ सोल्यूट फाइंड करना है। तो मास ऑफ हम यहाँ लिख लेंगे मास ऑफ सोल्यूट, ये हमें फाइंड करना है कि ये क्या है। अब देखें पिछले क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया था जो चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है तो उसको इक्वल के उस साइड पे अकेला छोड़ देते हैं, बाकी जितनी चीज़ें हैं वो दूसरी साइड पे ले जाते हैं। तो ये जो कि डिवाइड हो रही है तो दूसरी साइड पे जाके यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाती है। मास ऑफ सोल्यूट हमने फाइंड आउट करना है, इसको इधर छोड़ते हैं, ये चीज़ें हम इधर ले आते हैं। यहाँ पर पहले से मोलैरिटी है तो मोलैरिटी को हम लिख लेते हैं, मोलैरिटी
ये इधर आएगा तो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है इसके साथ मास एब्सोल्यूट के साथ, यहाँ पर आएगा हम इसको ले आएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय मोलर मास, ये भी डिवाइड हो रहा है इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इन इन डेसीमीटर क्यूब। अब इक्वल का साइन डालें और इस तरफ ये रह गया हमारे पास मास ऑफ सोल्यूट। इन सब की वैल्यू पुट कर दें, मोलैरिटी कितनी है 3.50, मोल पर डेसीमीटर क्यूब मल्टीप्लाई बाय मोलर मास कितनी आई 98 ग्राम्स पर मोल, वॉल्यूम कितना आया हमारे पास 1 डेसीमीटर क्यूब, ये हमारे पास मास ऑफ सोल्यूट आ जाएगा। सबको मल्टीप्लाई कर लें, ये डेसीमीटर क्यूब प्लस 3 है, ये डेसीमीटर क्यूब माइनस 3 है, इसको हम ये कैंसिल हो जाएगा। अच्छा जी, अब हमारे पास ये मोल -1 है, ये मोल +1 है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों को आप जो है मल्टीप्लाई कर लें तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3, 4, 3 और यूनिट कौन सी बच गई ग्राम्स, तो इसलिए हमारे पास मास ऑफ सोल्यूट कितना आ गया, हमें रिक्वायर्ड मास ऑफ H2SO4 कितना आ गया 343 ग्राम्स। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, अल्लाह हाफिज़।